शादी करोगे? दक्ष से लाइक्स यू, शादी करना चाहता है। और आ गए हैं बिल्लू जी, समझते क्या है अपने आप को? वो कौन होते हैं मेरी शादी करवाने वाले? अरे गिफ्ट नहीं देखना मुझे उनका, कोई गिफ्ट। गिफ्ट क्या, मुझे उनकी शक्ल ही नहीं देखनी। दक्ष भी जिसने सुन, आए बड़े दूसरों की शादी करवाने वाले, पहले खुद की शादी पे तो ध्यान दे ले। वो टिया किसी डी नाम के प्राणी से लगी हुई है इन्हें पप्पू बनाने में, इनका ध्यान ही नहीं है क्योंकि ये मेरी शादी करवाने में जो लगे हुए हैं, मैच मेकिंग में जो फंसे हुए हैं। लगता डील खत्म हो गया। आप आइए, मैं आपको बाम लगाती हूँ, आप आइए बैठिए। अपने ही अपने होते हैं, सही कहा लोगों ने। हे शिवाय मेरे दोस्त, थैंक यू यार, थैंक यू। तुझे मालूम भी है कि तूने कितना बड़ा काम किया मेरा? जो तूने किया है, डोंट यू डेयर पी दरक है। अगर तूने मुझे फोर्स नहीं किया होता ना, तो मैं वो अनिका से ऐसी बातें नहीं करता। अब बोल तो दिया, लेकिन सोच रहा हूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उसे फेस कैसे करूं? Why did I do this? Just... यार तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? तूने अनिका को मेरे बिहाफ पे प्रपोज किया, राइट? तो परेशान तो मुझे होना चाहिए ना कि उसका जवाब क्या होगा। जवाब? तू उसके जवाब का इंतजार कर, मैड हो, गुस्सा करके चली गई, कुछ कुछ बोला भी नहीं, वो just went. इसका मतलब ना तो नहीं है? हाँ भी नहीं है। I know, but as they say के उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, तो शायद जब वो रात को रूम में जाए और ठंडे दिमाग से सोचे और सुबह उसका माइंड भी चेंज हो सकता है। It can happen, right? ये सपनों में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है अनिका से ज्यादा तुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम है? आराम से लीजिए बेटा, अपने अपने ही होते हैं, सच में। वो सब तो ठीक है, लेकिन केमिकल आया कहां से? वो गले के बच्चे उछल कूद रहे थे ना बेटा, हो सकता है उनकी शरारत हो। अच्छा बेटा चलती हूँ, वहां मिलेंगे खिड़की पे। अच्छा रुकिए, आप यहाँ रह सकते हैं। सच्ची है? तूने मुझे माफ कर दिया है? वो नहीं मुझे पता कि मैंने आपको माफ किया है कि नहीं, पर हाँ आप यहाँ रह सकती हैं। तेरी सारी मुरादें पूरी हो। अब आप कुछ भी एहसान कीजिए, दोबारा मुझे मजबूर मत कीजिएगा कि मैं आपको घर से बाहर निकालूं, समझी हैं? ये आपका आखिरी मौका है। भूलने से भी कोई गलती नहीं होगी मुझसे। हाँ जो सीख तुमने दिए ना, मैं वो याद रखूंगी। सच्ची तू तो भूली है निकालने, ये तो मुझे पता था, पर तू बेवकूफ निकली, आसानी से मेरे जाल में फंस गई।
तूने मुझे घर से निकाला था ना अनिका, अब मेरी बारी। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि कैसा लगता है जब सर पे छत्ता हो। यार मैं मजाक कर रहा हूँ यार, ये ले तू भी। नो आई एम ओके, मुझे पीना नहीं है यार। व्हाट? अरे पी ले, ये भी पानी है मेरे भाई। हाँ, तू पानी पी रहा था? यस, ये सब नाटक था शिवाय, तुझे मैनिपुलेट करने के लिए। Come on, it's just a joke, man. No, Daksh, it's not. You're impossible, okay? You're just... I just know it, Shivaya. But क्या करूँ? ऐसे ही हूँ मैं. Come on, यार. No. I think it's a bad idea. It's just utter nonsense. नहीं. I just knew it. I knew it कि तेरा reaction ऐसे ही कुछ होगा. But I gotta go. कहाँ? One sec. What? I told you, ना. मैं आज अनिका को प्रपोज करूं? नहीं, तू मतलब तू एक बार बेवकूफी कर चुका है और मुझसे भी करवा चुका है, इसलिए मैं तुझे ये नहीं करने दूंगा। जस्ट तू डोंट डू इट मैन। बट ब्रो, मुझे उसका डिसीजन तो पता चले। पता चल गया ना, शी सेड इट्स अ नो, उसके चेहरे पे लिखा था इट्स अ। तू कैसे जानता है उसका डिसीजन? क्योंकि मैं उसको जानता हूं, मैं उसकी बातें भी समझता हूं और उसकी खामोशी भी। शिवाय शिवाय शिवाय, यार तू ऐसी बातें मत कर। इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा और कहीं उसे तुझसे प्यार ना होगा। देख, ऐसी बातें ना वो ही करते जिन्हें सीक्रेटली किसी से प्यार होता है। Are you in love? मुझे नहीं समझना है, मुझे सिर्फ अपने दिल की बात सुननी। मैं आज अनिका को प्रपोज करूंगा। मानी तो ठीक 2 दिन में शादी, वरना उसे फिर से उठा ले जाऊं। Have a good day, bro. I'll see you around. Daksh, listen, Daksh. बुआ जी, मैं जा रही हूँ। साहिल का नाश्ता मैंने रख दिया है। तूने कर लिया ना? हाँ, मैंने कर लिया। अच्छा, बाय। Hey, good morning. आप? Good morning. So good to see you, yeah. आप? हाँ, मैं. Beautiful. I mean, it's such a beautiful day, yeah. Good to see you again. पर आप यहाँ कैसे, मतलब? Oh, yeah, मैं पास ही में कुछ काम के लिए आया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पिकअप कर लूँ ताकि Oberoi Mansion तक थोड़ी कंपनी मिल जाए। मैं या मेरा घर इतना फेमस नहीं है कि सबको पता हो कि मैं कहाँ रहती हूँ। जिन्हें नहीं पता उन्होंने पता कर लिया। और इतनी तकलीफ क्यों? जाहिर है उसी के लिए जिसके पास आया हूं। आपने फालतू में इतनी तकलीफ की, मैं चली जाऊंगी। नो, आई मीन हम दोनों के रास्ते से मंजिल से तो क्यों ना हम साथ में चलें? बेचारा इतना कह रहा है तो चली जाना इसके साथ। यस, चलो। नाम क्या है तुम्हारा? नमस्ते जी, मैं दक्ष। और आप? मैं सुंदरी। नाम तो सुना होगा इसकी बुआ। आप सच में बहुत सुंदर हैं। कब से करते एक दूसरे को? बिजनेस है या नौकरी करते? बुआ जी, बहुत हो गया, नहीं पूछना। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। आप पानी वानी तो पीते जाओ। बुआ जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। ठीक है, चले। जैसी दोनों की इच्छा, मैं क्या कर सकती। फोन भी नहीं उठा रहा है अपना, क्या करूं मैं इस लड़के का? I hope he doesn't do anything stupid. Just pick up the call, man.